हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन योर चैनल फोकस सिविल वर्क। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि इक्विपमेंट्स एंड टूल्स अवेलेबल ऑन साइट फॉर स्लम टेस्ट ऑफ कंक्रीट। हमें स्लम टेस्ट करते समय हमारे पास इक्विपमेंट और टूल्स कौन कौन से हैं जो हमें अवेलेबल होने चाहिए ऑन साइट पर, ठीक है, जिससे कि हम स्लम टेस्ट कर सकें ऑफ कंक्रीट के लिए। जैसे कि कोई भी हम स्ट्रक्चर कास्टिंग कोई भी स्ट्रक्चर जैसे फुटिंग, स्लैब, बीम, कॉलम कास्टिंग करने से पहले हम स्लम वैल्यू टेस्ट करते हैं फॉर कंक्रीट की। तो वो सब चेक करने के लिए, यानी कि उसको स्लम टेस्ट करने के लिए क्या क्या टूल्स और क्या क्या इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए ऑन साइट पर करते समय, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि वो उसकी जो क्या हाइट होती है, क्या उसकी ब्रेथ होती है, क्या उसकी मतलब थिकनेस होती है, क्या उसका काम होता है, कैसा वो दिखने में होता है और क्या उसकी वैल्यू आनी चाहिए मिनिमम, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को आगे जाने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन बजा दें दोस्तों मेरे, उससे क्या होगा हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सब मैंने इसलिए लिख रहा है क्योंकि मैं वीडियो भी अपने आप ही हाथ से बनाता हूँ, तो इससे क्या होता है कि वीडियो बनाने में थोड़ा आसानी हो जाती है और आपको समझने में भी थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो पर। तो देखिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये क्या है, ये है सबसे पहले हमारे क्यूट स्लम कोन, ठीक है, और हम इसको फ्रस्टम भी बोलते हैं। तो जिस किस शेप और साइज, क्या इसका शेप होता है, तो शेप दिखने में ये ऐसा होता है, ठीक है, जो कि हमने इसे डिनोट किया। इसका जो ऊपर वाला जो सर्कुलर है उसको हम आर से डिनोट किया, स्मॉल आर से, और जो सॉरी स्मॉल आर से बोल दो या फिर स्मॉल डी से बोल दो, जो भी बोलना है, ठीक है। अब इसको मैं चलो स्मॉल डी कर देता हूँ, स्मॉल डी और कैपिटल डी, ठीक है। तो ये स्मॉल डी हो गया हमारा, ये कैपिटल डी हो गया, ठीक है। और जो इसकी जो हम हाइट है वो उसको कैसे कितनी हाइट होती है, ठीक है। तो दोस्तों, इसकी जो स्मॉल डी जो होता है, यानी कि जो छोटा वाला उसको होता है, वो हमारा होता है 100 mm और 4 inches, ठीक है। और जो जो लार्ज वाला डी जो कैपिटल डी जो है वो हमारा है 200 mm, ठीक है, और 8 inches। जो इसकी हाइट होती है वो हमारी होती है 300 mm, यानी कि 12 inches, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो हाइट होगी इसकी, और ये इसका कैपिटल स्मॉल डी होगा, ये हमारा कैपिटल डी होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा आता है वो बेस प्लेट। अब बेस प्लेट जो होती है, ये हम इसके बेस पर नीचे इसी को हम इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। जो इसकी हमारी जो थिकनेस होनी चाहिए बेस प्लेट की, वो हमारी होनी चाहिए थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, ठीक है। तो ये हमारी होनी चाहिए 8 mm होती है मतलब, और जिसका साइज है वो हमारा 12 inches by 12 inches होनी चाहिए, ठीक है। और जो टेम्पिंग रोड होती है, इससे क्या करते हैं हम, इसको जब हम कंक्रीट फिल करते हैं तो उसको बायबेट करते हैं, मतलब अंदर इसको जिससे क्या होगा हमारा एयर वॉइड वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम इसको जो रखते हैं वो टेम्पिंग रोड रखते हैं। ये जो हमारी इसकी जो हाइट होती है वो हमारी होती है 24 inches, यानी कि हमारी जो होती है वो कह सकते हैं हम इसे 600 mm होती है, ठीक है। हम इसमें नोट में डाल लीजिए आप, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी कट ऑफ स्टील इज नॉट यूज फॉर स्लम टेस्ट के लिए। जैसे कि हम कोई भी जो स्टील होती है वो हम कट के इसे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एक एक टेम्पिंग रोड आती है जो कि हम मार्केट में खरीदते हैं, और ये हमारी आती है दूसरे तरह ट्रबल। इस ट्रबल से क्या वर्क होता है, इस ट्रबल से हमारा वर्क होता है कि हम कोई भी जब स्लम भरने समय से क्या होगा, हम उसको एंड तक उसको भरेंगे इसके हेल्प से, ट्रबल की हेल्प से, ठीक है। जब इसको हम सरफेस जो होता है वो हमारा पूरा प्लेन हो जाए, ठीक है, इससे हम इसको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है मेज़रमेंट टेप, ठीक है। मेज़रमेंट टेप से क्या होता है, हम जो स्लम वैल्यू होती है वो हम इसको नापते हैं। वो स्लम वैल्यू हम कैसे नापते हैं वो मैं आपको दिखाया था। जैसे कि हमारा ये हमारा फर्स्ट हमें, ठीक है, और ये हमारी कंक्रीट है जो कि हमने इसको निकाल दिया। अब इसका टेम्पिंग रोड का हम ऐसे रख देंगे और मेजरमेंट टेप से हम ये चीज़ नाप लेंगे कि कितनी आया है,
तो जितनी भी आई होगी, जो भी डिफरेंट अदर स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, जैसे कि फुटिंग के लिए अलग, फुटिंग स्लैब कास्टिंग वाली जो कंक्रीट होती है उसके अलग होता है, रिटेनिंग वॉल के लिए अलग होती है, ठीक है, अलग अलग वैल्यू डिपेंड होती है। तो दोस्तों अगर मैं अगले वाली वीडियो में उसमें दिखा दूँगा कि कौन कौन सी वैल्यू जो होती है वो कौन सी रिक्वायर होती है फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए। तो दोस्तों जैसे आपको वीडियो लगे उस हिसाब से आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नहीं किया है। तो कैसे लगे आपको वीडियो कमेंट करके बता दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अपने अगली वीडियो पर।